ओके, तो गाइस आज का वीडियो देख के ना आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। जो लोग गाइस हीरोइक से मास्टर नहीं जा रहे, मास्टर जाने के बाद मास्टर 2 स्टार 3 स्टार नहीं हो रहा आप लोगों का, उन लोगों के लिए ये वीडियो सबसे बेस्ट वीडियो है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सोलो रैंक पुश का टिप्स एंड ट्रिक तो बताऊंगा, उसके साथ साथ अनलिमिटेड एचपी कॉम्बिनेशन और अनलिमिटेड डैमेज कॉम्बिनेशन, ये दो करेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ कैसे आप लोगों को गेम प्ले करना है सोलो में वो भी बताऊंगा, और ये दो कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा खतरनाक है और इसको कैसे आप लोगों को यूज करना है सब कुछ इस वीडियो में आप लोग देख पाओगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है सोलो पुशर के लिए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और आप लोग मेरा खुद का रैंक देख सकते हो, मैं खुद मास्टर में हूँ, अभी मास्टर 2 स्टार के लिए पुश कर रहा हूँ। ओके, तो पहला मैच स्टार्ट करते हैं अनलिमिटेड डैमेज कॉम्बिनेशन के साथ। ओके, इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले तो गाइस आप लोगों को लेना है काइरस करेक्टर को, जो कि ब्रेकर मोड में आने के बाद कोई भी बेस्ट को तोड़ देता है, लेवल 4 हो या लेवल 3 हो। एंड उसके बाद गाइस आप लोगों को लेना है इसका छोटा भाई हायातो को, जो कि आर्मर पेनिट्रेशन बढ़ा देता है, मतलब बंदे का बेस्ट तोड़ देता है, और जब खुद डैमेज हो जाता है तो बंदे के ऊपर डैमेज ज्यादा देता है। एंड थर्ड स्लॉट में मैं ले रहा हूँ मारू करेक्टर को, जो की लॉन्ग रेंज में 20% डैमेज बढ़ा देता है। और लास्ट स्लॉट में मैं ले रहा हूँ मिशा करेक्टर को, जिसकी मदद से मैं इजिली जोन रोटेशन कर लेता हूँ एंड फ्री में 1-2 किल निकाल लेता हूँ। इसके साथ आप लोगों को पैड में लेना है रेकी पैड को, जो कि बहुत ज्यादा ओपी है अभी के टाइम। एंड लोड आउट में आप लोगों को लेना है सीक्रेट क्लू को, जो कि हार्ड लोई में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो सब कुछ मैंने सेट कर लिया, अभी चलते हैं गेम के अंदर। तो मैं आज को गेम के अंदर, अभी मेरे को एकदम सेफली लैंडिंग करना है, कहां पर, मेरे सीक्रेट क्लू पर, जहां पर मेरा रिसप्लाई मैप गिरा है। और रिसप्लाई मैप कहां पर गिरा है एकदम देख सकते हो किनारे पे। तो सबसे पहले तो गाइस मैं जा रहा हूं रिसप्लाई मैप खोलने के लिए, क्योंकि उधर से मेरे को लेवल 3 का बेस्ट लेवल 3 का हेलमेट और गन मिल जाएगा, जिसकी मदद से स्टार्टिंग में अगर कोई बंदा आता है ना उसके साथ मैं इजीली फाइट कर पाऊंगा। और मेरे साथ है गाइस अनलिमिटेड डैमेज कॉम्बिनेशन, तो देखते हैं बंदे के साथ जब मैं फाइट लेता हूं तो बंदे का हालत क्या होता है। तो रिसप्लाई मैप से तो मेरे को लॉन्ग रेंज का गन मिल गया, लेकिन शॉर्ट रेंज का गन अभी तक नहीं मिला। तो मैं थोड़ा सा सामने जाने के बाद इधर उधर लूट रहा था, क्योंकि मेरे को पता था इधर कोई भी बंदा नहीं है। तो गाइस इधर उधर लूटने के बाद मैंने देखा सामने M4 है, लेकिन उसका एमओ नहीं है। तो मेरे को पता चल गया कि इधर ऑलरेडी बंदा आ चुका है। तो गाइस धीरे धीरे एकदम कवर ले लेके मैं साइड से जाने लगा, और साइड में जाने के बाद देखा सामने एक बंदा, उसको खतरनाक डैमेज दिया भाई साहब, 4-5 गोली मारा भाई, बंदा खत्म। मतलब समझ रहे हो ना, ये कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। तो इसको मारने के बाद मैं डायरेक्टली उसके सामने चला गया एंड बंदे की लूट बॉक्स को अच्छे से लूटने लगा। इधर से मेरे को थम्सन मिल गया शॉर्ट रेंज का गन, इसको लूट लूट के मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि बंदा इधर ही उतरेगा। तो मैं आसमान में देख रहा था, ऊपर देख रहा था बंदा इधर उतर रहा है कि नहीं, और गाइस ठीक ठीक उधर से ही बंदा आ रहा है, मतलब इधर ही उतर रहा है बंदा। भाई समझ नहीं आ रहा बंदे लोगों के दिमाग में क्या रहता है क्या नहीं। तो बंदा ऊपर से नीचे आ रहा था, मैं ऊपर से उसको डैमेज देने लगा, उसको डैमेज लगा, फिर भी गाइस वो बंदा इधर ही उतर रहा। उसके बाद गाइस क्या हुआ, बंदा सामने आया, मैंने उसको डैमेज दिया, उसने ग्लोअल मारा, फिर से मैंने डैमेज दिया और बंदा फिनिश। तो एक बंदे को 2-2 बार मार के 2 किल मैंने कंप्लीट कर लिया। गाइस सोलो रैंक पुश में जहां पर मरते हो उधर मत उतरो, ये बोल बोल के हर एक यूट्यूबर थक चुका है, लेकिन ये लोग क्यों नहीं समझते पता नहीं। जो भी गाइस इसको मारने के बाद मेरा हो चुका था 2 किल। तो मैं थोड़ा सा आगे गया लूट वूट करने के लिए, लेकिन सडनली एक बंदा मेरे को पीछे से डैमेज देता है, डैमेज भी खतरनाक दे देता है। तो मैं फटाक से ग्लूअल मार के अपना हेल्थ पूरा करता हूं, एक मेडिकेट मार के उसके बाद गाइस बंदे को स्पॉट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन बंदा कवर में था। तो मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा पीछे चलाया और पीछे आके उससे लॉन्ग रेंज के फाइट लेने की कोशिश की। मैं गाइस आप लोगों को और एक चीज बता देता हूं, जब भी आप लोग सोलो में रैंक पुश करो, ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग रेंज में फाइट करने का। तो इधर दूर आके उसके साथ मैं फाइट करने लगा, उसको थोड़ा बहुत डैमेज भी दिया एंड उसके बाद उसको सरप्राइज अटैक देने के लिए मेरे पास था मिनी लॉन्चर, जो कि मेरे को रिसप्लाई मैप से मिला था, उसको यूज करके उसके पीछे चला गया। लेकिन बंदे ने देख लिया, पीछे जाके उसको मैं मारने वाला था, लेकिन उसने स्पॉट करके सामने आ चुका था। तो मैंने फटाक से ग्लूअल मार के ग्लूअल का कवर ले लिया एंड बंदा मेरे सामने आके एक कवर लेके चुपचाप बैठा रहा। तो मैंने इधर से उसके ऊपर ग्रेनेड मारने की ट्राई की, एक डैमेज भी दिया, लेकिन बंदे को इतना खास डैमेज नहीं आया। तो मैंने क्या किया, मैं इधर थोड़ा सा वेट किया, क्योंकि गाइस मेरा जो काइरस करेक्टर का ब्रेकर मोड है वो एक्टिवेट नहीं हुआ था। तो जब मेरा काइरस करेक्टर का ब्रेकर मोड एक्टिवेट हुआ तो मैं फटाक से उसके ऊपर रश कर दिया, और गाइस देख सकते हो आप लोग कितना खतरनाक उसको डैमेज दिया और बंदा फिनिश। तो ये कॉम्बिनेशन भाई सच में बहुत ज्यादा ओपी है, इसको लेके अगर आप लोग शॉर्ट रेंज में सीरियसली फाइट करते हो ना भाई, खतरनाक बंदे को डैमेज लगता है, आप लोग खुद ही देख सकते हो। पहले बंदे का बेस्ट तोड़ देता है काइरस करेक्टर, उसके बाद हायातो और मारो और कायरोस तीनों मिलके कितना खतरनाक उसको डैमेज देता है भाई साहब, बंदा फटाक से फिनिश हो जाता है, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखे। तो इस बंदे को मारने के बाद मेरा हो चुका था 3 किल कंप्लीट, ठीक है, और बंदे अभी बचे थे 30। तो अभी मेरे को थोड़ा सा तो सर्वाइव करना है, क्योंकि टॉप 10 में कुछ भी करके घुसता है। तो इसलिए गाइस सामने जाके मैं गाड़ी ले लिया और गाड़ी लेके इधर उधर घूमता रहा पूरा मैप पे, और अच्छे से देखने लगा कहां पर मॉन्स्टर है, क्योंकि गाइस मेरे पास मिशा कैरेक्टर है और मॉन्स्टर अगर हो जाएगा मेरे पास तो भाई क्या ही बात है। लेकिन गाइस बहुत सारे टाइम घूमने के बाद भी मेरे को मॉन्स्टर नहीं मिला, लेकिन देखा
देखा सामने एक बंदा है, तो उसको मारने के लिए मैं गाड़ी लेके उसके सामने चला गया, जाके खतरनाक उसको डैमेज दिया भाई साहब। आप लोग देख सकते हो एक स्प्रे किया बंदा फिनिश। तो इसको मारने के बाद मेरा हो गया था 4 किल कम्प्लीट। और उसी टाइम मेरे ऊपर दो दो बंदे आ गए थे राजकन्या, वो भी गाड़ी लेके। भाई मैं उसको मार के फटाक से गाड़ी ले लिया और गाइस मैं बच गया। भाई सीरियसली देख सकते हो आप लोग, अगर इधर थोड़ा सा भी वेट करता मैं मर जाता। उसके बाद मैं इधर से निकल गया, लेकिन इधर दो दो बंदे के बीच ना बहुत ही खतरनाक फाइट हुआ और एक बंदे ने एक बंदे को मार दिया। उसका फायदा उठा के मैं फिर से उधर गया और जाके ओपी तरीके से घर के अंदर घुस गया, क्योंकि वो बंदा डैमेज था। इसलिए गाइस मैं उसके ऊपर रश कर दिया और बंदे को खतरनाक डैमेज देके इजीली मार दिया। गाइस जो भी बोलो, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, अनलिमिटेड डैमेज कॉम्बिनेशन, सीरियसली बहुत ज्यादा ओपी है। क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के सहारे मैंने जितने भी अभी शॉर्ट रेंज में फाइट किए ना, हर एक फाइट को इजीली मैंने जीत लिए। तो इस बंदे को मारने के बाद मेरा टोटल जो किल हुआ था वो हो गया था गाइस 5 किल। ओके, और अभी बंदे बचे थे 11, मतलब मैं टॉप 10 में ऑलमोस्ट घुस गया हूं। तो अभी क्या करना है, अभी मेरे को कुछ नहीं करना, जो टॉप 10 बंदे है ना इनके साथ एकदम अच्छे से फाइट करना है और गाइस कुछ नहीं करके भुया लेना है। लेकिन सच बताओ गाइस, मेरा लूट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि देख सकते हो आप लोग मैं एक्सीडेंट लेके खेल रहा हूं। लेकिन इधर एक चीज अच्छा हुआ, मेरे को मॉन्स्ट्रक मिल गया। उसके बाद गाइस मॉन्स्ट्रक लेके मैं एकदम जोन के किनारे चला गया और गाइस जोन के बाहर से कोई बंदा आता है कि नहीं वो दिख रहा था, लेकिन एक भी बंदा नहीं आया। तो मैंने क्या किया, मैं जोन में जाने का सोचा, तो मैं डायरेक्टली जोन में चला गया। जोन में जाने के बाद लिटिल गाइस मेरे को सामने एक बंदा दिखता है जिसको मैं ओपी तरीके से जाके मॉन्स्ट्रक से टक्कर मारता हूं। उसका मिशा एक्टिवेट होता है, लेकिन दिमित्री उसके पास नहीं था इसलिए बंदा मर गया। इसको मारने के बाद 6 किल तो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद गाइस मैं इस बंदे को लूटने के लिए जाता हूं और सडनली मेरे मॉन्स्टर ट्रक को ना एक मॉन्स्टर आके टक्कर मारता है। भाई वो बंदा मेरे पीछे ही लग गया था, मतलब क्या ही बताओ। देख सकते हो आप लोग, मेरे को जोन में जाने ही नहीं दे रहा था और गाइस इस बंदे को लूटने नहीं दे रहा था। उसके बाद एक टाइम तो ऐसा आया, बंदे ने मेरे को क्या ही खतरनाक टक्कर मारा मॉन्स्टर ट्रक से। मेरा मॉन्स्टर ट्रक एकदम हवा में ऊपर चढ़ गया और गाइस जोन के बाहर जाने लगा। और वो बंदा सोचा कि मैं जोन के बाहर जाके मर जाऊंगा, लेकिन गाइस मैं फिर से जोन के अंदर आ गया मेरे मॉन्स्टर ट्रक की मदद से। एंड देखता हूं जो बंदा मेरे को टक्कर मारा था वो बंदा पैदल जा रहा है, तो उसको मैंने खतरनाक टक्कर मारा एंड गाइस उतर के एक स्प्रे किया बंदा फिनिश। अगर बंदा मॉन्स्टर ट्रक में होता तो बच जाता, लेकिन गाइस पैदल जा रहा था इसलिए बेचारा मर गया। उसके बाद गाइस इधर बंदे मेरे को डैमेज दे रहे थे बहुत ज्यादा, तो इसलिए गाड़ी लेके एकदम पीछे चला गया और पीछे जाके एक परमानेंट कवर लेके बैठ गया और इधर चारों तरफ देख रहा था कोई बंदा आता है कि नहीं। और सडनली पीछे से, मतलब जोन के बाहर से पता नहीं कैसे एक बंदा मेरे ऊपर आता है और गाइस खतरनाक डैमेज देता है। मैं जैसे तैसे करके ग्लूअल वाल मारता हूं, थोड़ा सा एचपी से बचा था मैं, भाई देख सकते हो आप लोग। तो फिर भी गाइस ग्लूअल मार के मैंने ओपी तरीके से मेडिकेट वेडिकेट मार के अपना हेल्थ पूरा करता हूं, लेकिन वेस्ट और हेलमेट मेरा पूरा टूट जाता है। उसी टाइम ही गाइस जोन भी आता है, भाई साहब देख सकते हो कितना सिचुएशन खराब है। उसके बाद मैं ग्लूअल तोड़ के बाहर निकलता हूं, लेकिन बंदा मेरे को खतरनाक डैमेज दे देता है पहले, उस वजह से मैं इजीली मर जाता हूं। लेकिन मुझे 27 का अच्छा प्लस मिल जाता है। उसके बाद मैं रेडी हो जाता हूं अनलिमिटेड एचपी कॉम्बिनेशन के साथ फिर से और एक मैच खेलने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन बता देता हूं। देखो इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले तो गाइस आप लोगों को लेना है लुकेटा कैरेक्टर को, जो आप लोगों को 50 एचपी एक्स्ट्रा देता है। उसके बाद शानी कैरेक्टर को, जो कि आप लोगों को 50 एक्स्ट्रा स्किल पॉइंट देता है। उसके बाद एंथोनियो कैरेक्टर को, जो कि 30 एक्स्ट्रा स्किल पॉइंट देता है। एंड लास्ट में मैंने लिया है ज़ेन कैरेक्टर को, जो कि आप लोगों को 60 एक्स्ट्रा एचपी पॉइंट देता है। उसके बाद लोडआउट में सीक्रेट क्लू लेके मैं गेम को स्टार्ट कर देता हूं ड्रेकपेट के साथ। एंड उसके बाद प्लेन से लैंडिंग करके मैं चला जाता हूं एकदम सप्लाई क्रिएट के सामने। और सप्लाई क्रिएट कहां पर गिरता है आप लोग देख सकते हो, एकदम किनारे पे, एकदम से एकदम किनारे पे, जहां पर एक भी बंदा नहीं है। तो इधर मैं बिंदास शांति से आराम से सप्लाई क्रिएट को लूट पाऊंगा, जैसे कि मैंने लूट लिया आप लोग देख सकते हो। उसके बाद गाइस इधर से मेरे जितना भी टोकन मिलता है मैं सब कुछ लूट लेता हूं। एंड अभी मेरे को जो मेरा एचपी है ना उसको बढ़ाना होगा, मेरे को 420 तक लेकर जाना होगा। उसके लिए गाइस मेरे को फर्स्ट 2 किल करना होगा, नहीं तो मेरे को लोकेटा कैरेक्टर 50 एचपी एक्स्ट्रा नहीं देगा। पहले मेरे को 2 किल करना होगा। तो इसलिए गाइस इधर उधर घूमने के बाद, बहुत कुछ लूट करने के बाद, मैं थोड़ा सा सामने जाता हूं और जाके देखता हूं दो बंदे के बीच फाइट हो रहा है, जिसका फायदा उठा के मैं थर्ड पार्टी करके पहले एक बंदे को मार देता हूं। उसके बाद डायरेक्टली चला जाता हूं उस बंदे के सामने और कवर में जाके दूर से बंदा जो मार रहा था उसको स्पॉट करता हूं और उस बंदे को स्पॉट करके थोड़ा बहुत डैमेज देता हूं, लेकिन बंदा कवर में चला जाता है। तो मैं कवर में आके इस बंदे के लिए बहुत सारा टाइम वेट करता हूं शॉर्ट रेंज में फाइट करने के लिए। तो बहुत सारा टाइम वेट करने के बाद बंदा आता है, तो मैं उसको डैमेज देने की ट्राई करता हूं, हल्का सा डैमेज भी देता हूं। उसके बाद बंदा कवर में चला जाता है, लेकिन गाइस मैं घर के अंदर से उसके ऊपर रश कर देता हूं, बंदा भी घर के अंदर आ जाता है, उसको खतरनाक मैं डैमेज देता हूं और बंदे को फिनिश कर देता हूं। इस तरह गाइस मैं कर लेता हूं 2 किल कंप्लीट और गाइस उसी टाइम मेरे को लुकेटा कैरेक्टर दे देता है 50 एचपी एक्स्ट्रा, जिसके मदद से मेरा जो हेल्थ हो जाता है वो सब मिला के 430 हो जाता है। भाई अभी मैं बिंदास किसी के साथ भी फाइट कर पाऊंगा। एंड उसी टाइम एक बंदा मेरे को दूर से फायर करता है, मेरे को जोन में जाने नहीं देता। तो मैं क्या करता हूं, पीछे से चला जाता हूं, क्योंकि पीछे एक गाड़ी था मैंने देखा स्पीड कार, तो मैं डायरेक्टली उसके उधर चला जाता हूं जोन के बाहर से और गाड़ी लेके एकदम खतरनाक तरीके से जोन के अंदर चला जाता हूं। उसके बाद गाइस जोन में जाने के बाद देखता हूं एक बंदा जोन के बाहर फाइट कर रहा है और वो बंदा जोन के अंदर आने की ट्राई कर रहा है, तो मैं क्या करता हूं इधर से खतरनाक उसको डैमेज देता हूं। भाई साहब ये एसएटी गन ना बहुत बेकार गन है, सीरियसली बता रहा हूं। देखो कितना रिकॉइल कर रहा है, मैं उसको कितना खतरनाक डैमेज दे रहा हूं, लेकिन बंदा मर ही नहीं रहा। पता नहीं उसके बाद भी अनलिमिटेड एचपी वाला करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं। तो बंदा क्लूअल मारते मारते एकदम जोन के किनारे आ जाता है, तो मैं क्या
करता हूँ मैं उसको खतरनाक तो डैमेज दे देता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ शॉर्ट रेंज में मारने के लिए डायरेक्टली गाड़ी लेके उसके सामने चला जाता हूँ। और मेरे पास था अनलिमिटेड हेल्थ, तो मैं एकदम सामने जाके उस बंदे को खतरनाक स्प्रे कर देता हूँ, बंदा इजिली फिनिश। तो इस बंदे को मारने के बाद फटाक से ग्लूअल मारता हूँ और अपना एचपी पूरा करता हूँ, क्योंकि अंदर के बंदे ना मेरे को स्पॉट कर लिए होंगे और मेरे को मारेंगे, तो इसलिए मैं ग्लूअल मार के कवर लेके अपना एचपी फुल करता हूँ। उसके बाद इस बंदे को मारने के बाद मेरा हो गया था 3 किल कंप्लीट और 5 बंदे अलाइव थे मेरे को लेके, ठीक है। तो मैं गाड़ी लेके एकदम जोन के मिडिल में चला जाता हूँ और जाके एक परमानेंट कवर लेने के लिए इस घर के अंदर जाने की सोचता हूँ। और मैं देख लेता हूँ घर के अंदर ऑलरेडी एक बंदा है ट्रैकी मैट की मदद से, आप लोग खुद ही देख सकते हो। तो मैं एकदम अलर्ट हो जाता हूँ, डायरेक्टली घर के अंदर घुसता हूँ, उसके बाद जैन कैरेक्टर का एबिलिटी ऑन करता हूँ, 400 का एचपी करता हूँ और बंदे को खतरनाक डैमेज देता हूँ, बंदा नॉक। उसके बाद बंदे को पूरा खत्म करने के बाद उसको आराम से लूट वूट कर लेता हूँ। और आप लोग देख सकते हो मेरा हेल्थ, अभी उसने मेरे को डैमेज भी दिया लेकिन मेरा हेल्थ कितना कम हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि अनलिमिटेड हेल्थ है ना भाई। उसके बाद इस बंदे को मारने के बाद मेरा हो गया था 4 किल कंप्लीट, उसके बाद थोड़ा सा मैं इधर ही वेट किया। तो इसके बाद इधर वेट करते करते मेरे पास स्कैनर था जिसको यूज करने का टाइम अभी आ गया था, क्योंकि 2 ही बंदे अलाइव थे। तो मैंने ड्रोन को यूज किया और ड्रोन को यूज करके स्कैनर पे देखा 2 बंदे एकदम अलग अलग साइड में। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा आगे जाके एक परमानेंट कवर लेके इधर बैठ गया, क्योंकि ये जोन के अंदर था। तो जोन के अंदर आने के बाद थोड़ा सा भी मैं हिला नहीं, इधर ही चुपचाप बैठा रहा, किसी को समझने नहीं दिया कि मैं इधर हूँ, किसी को अपना लोकेशन शेयर नहीं किया, मैं इधर ही बैठा रहा। और बंदलों का दोनों का लोकेशन मैंने स्कैनर पर ऑलरेडी देख लिया था, तो मेरे को पता था कौन बंदा कहां से आएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं किया, इधर ही रुका। और उसके बाद जब जोन एकदम छोटा होने लगा तब मैंने देखा दोनों बंदे थोड़ा थोड़ा करके आगे आ रहे, उस टाइम भी मैंने इधर से हिला नहीं, मैं इधर ही रुका। उसके बाद जब बंदे लोग एकदम साइड साइड से आने लगे तो मैंने उनको डैमेज देना स्टार्ट कर दिया। पहले लेफ्ट साइड बंदी को हल्का सा डैमेज दिया लॉन्ग रेंज में, उसके बाद जो बंदा मेरे सामने आ गया था उसको ग्रेनेड मारने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन बंदे को समझ आ गया, उसने पूरा ग्लूअल का पैक मार दिया। तो मैं उसको ग्रेनेड मार रहा था, वो बंदा भी उसको ऊपर ग्रेनेड मार रहा था, मतलब इस बंदे के ऊपर दोनों बंदे मिलकर मार रहे थे, क्योंकि ये बंदा मिडिल में था, सैंडविच हो गया था ये। तो उसके बाद दूर का बंदा उसके ऊपर रश कर दिया, उस बंदे के ऊपर, सैंडविच वाले बंदे के ऊपर। तो मैंने दूर से देख लिया, तो मैंने क्या किया, मैं भी चला गया उन लोगों को थर्ड पार्टी करने। गाइस जाते जाते देखा एक बंदे ने एक बंदे को मार दिया था ऑलरेडी, तो मैं एकदम फटाक से उनके सामने गया, लेकिन वो बंदा तसुआ को यूज करके एकदम खतरनाक स्पीड दिखा के इधर से भाग गया। तो मैं उसके पीछे पीछे गया, क्योंकि मेरे पास अनलिमिटेड हेल्थ था, लेकिन बंदा इतना खतरनाक मूवमेंट दिखा रहा था क्या ही बताऊं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं उसके ऊपर एकदम रश कर दिया, उसने मेरे ऊपर रश कर दिया, उसने भी मारा मेरे को, मैंने भी उसको मारा, लेकिन गाइस उसको मैंने इजीली मार दिया, क्योंकि मेरे पास अनलिमिटेड हेल्थ था, वो मारते ही गए लेकिन मेरा हेल्थ खत्म नहीं हुआ, मैंने उसको इजीली मार दिया। इसको मारने के बाद मैंने ओपी सा एक बुया ले लिया अनलिमिटेड एचपी कॉम्बिनेशन के साथ 6 किल करके, आप लोग देख सकते हो। तो दोनों कॉम्बिनेशन के साथ आप लोगों को मैंने गेम प्ले दिखाया, आप लोगों को कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा लगा, कौन सा गेम प्ले अच्छा लगा प्लीज कमेंट में बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना। ओके सो गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।